नमस्कार आप दोस्तों, टेक्निकल ग्राम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरे हाथ में ये एक पेन ड्राइव है, ये पेन ड्राइव बिल्कुल सही है, लेकिन प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि जब मैं इस पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप में लगाता हूँ फिर ये पेन ड्राइव मेरे लैपटॉप में शो नहीं करता है। लगाने के साथ आवाज तो आती है, मेरे हार्ड डिस्क का बाकी सारा ड्राइव शो करता है लेकिन ये पेन ड्राइव शो नहीं करता है। तो अगर ऐसा ही प्रॉब्लम आपके साथ भी है, आपके पास ऐसा कोई भी पेन ड्राइव है, जब आप उसको अपने लैपटॉप या फिर पीसी में लगाते हैं तो आपका पेन ड्राइव शो नहीं करता है, तो चलिए आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताता हूं कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों पहले तो मैं अपने पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप में लगा देता हूं, और मैंने अपने पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप में लगा दिया, लेकिन यहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा पेन ड्राइव यहां कहीं भी शो नहीं कर रहा है। हार्ड डिस्क के अंदर जितने भी ड्राइव्स हैं वो सारे ड्राइव्स यहां पे शो कर रहे हैं लेकिन पेन ड्राइव यहां कहीं भी शो नहीं कर रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको यहां नीचे स्टार्ट बटन पे राइट माउस क्लिक करना है, फिर आपको यहां पे एक ऑप्शन मिलेगा डिस्क मैनेजमेंट, आपको इस पे क्लिक करना है और डिस्क मैनेजमेंट का ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये पेज ओपन होने के बाद अब दोस्तों आप यहां पे देखिए डिस्क जीरो के अंदर हार्ड डिस्क में जितने भी ड्राइव्स हैं सी डी ई वो सारे ड्राइव्स यहां पे शो कर रहे हैं, और डिस्क वन के अंदर रिमूवेबल यानी कि यहां पे एक एक्सटर्नल डिवाइस शो कर रहा है और यही मेरा पेन ड्राइव है जिसका साइज है 16 GB। जो पेन ड्राइव दोस्तों यहां डिस्क पीसी के अंदर शो नहीं कर रहा है वही पेन ड्राइव यहां डिस्क मैनेजमेंट के अंदर शो कर रहा है। तो अब इस पेन ड्राइव को डिस्क पीसी के अंदर शो कराने के लिए आपको यहां इस पेन ड्राइव पे राइट माउस क्लिक करना है, फिर आपको यहां पे दोस्तों एक ऑप्शन मिलेगा चेंज ड्राइव लेटर एंड पाथ्स, इस पे क्लिक करना है और अब आपको यहां पे ऐड बटन पे क्लिक करना है और इस पेज पे ये पहला ऑप्शन सिलेक्ट रहेगा असाइन द फॉलोइंग ड्राइव लेटर। यहां पे देखिए रेडियो बटन दिया है, पहले से जी है तो अब यहां पे जी के बाद से कोई भी एक लेटर सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपके केस में यहां पे एच होता तो एच के बाद से कोई भी आपको एक लेटर सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहां पे आई सिलेक्ट करता हूं, ओके पे क्लिक करता हूं। अब दोस्तों आप देखेंगे मेरा पेन ड्राइव डिस्क पीसी के अंदर भी शो करेगा, मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे अब आप देख सकते हैं मेरा पेन ड्राइव डिस्क पीसी के अंदर शो कर रहा है, लेकिन दोस्तों यहां पे पहले आप ये समझ लो कि आखिर ये पेन ड्राइव डिस्क पीसी के अंदर शो क्यों नहीं कर रहा था। तो दोस्तों इसका सिंपल सा रीजन ये था कि सेम ड्राइव लेटर यानी कि सेम नाम से दो एक्सटर्नल डिवाइस आपके कंप्यूटर में असाइन था, इसीलिए आपका पेन ड्राइव यहां पे शो नहीं कर रहा था। अब एक ही नाम से दो डिवाइस हो जाएंगे और दोनों आप एक ही कंप्यूटर में यूज करेंगे तो कंप्यूटर तो कंफ्यूज होगा ना, किसी एक को यहां पे रीड करेगा। तो ऐसे इस सेटिंग से 99% आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आपका पेन ड्राइव यहां पे शो करने लगेगा। लेकिन फिर भी अगर आपका पेन ड्राइव आपके कंप्यूटर में यहां पे शो नहीं करता है, आप 1% के अंदर आते हैं, फिर दोस्तों मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं। आपको दोस्तों यहां स्टार्ट बटन पे फिर से राइट माउस क्लिक करना है, अब आपको दोस्तों यहां डिवाइस मैनेजर पे क्लिक करना है और यहां पे डिवाइस मैनेजर का पेज ओपन हो जाएगा। देखिए ये डिवाइस मैनेजर का पेज ओपन हो गया। ये पेज ओपन होने के बाद सबसे लास्ट में देखिए यहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूनिवर्सल सीरियल बस कंट्रोलर्स, आपको इस तीर के निशान पे क्लिक करना है। अब इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें से एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा यूएसबी मास स्टोरेज डिवाइस। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने कंप्यूटर में एक से ज्यादा यूएसबी ड्राइव आपने लगा रखा है तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपको 2-3 बार देखने को मिल सकता है। तो आपको इस पे राइट माउस क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज पे जाना है और यहाँ पे पहले आपको ये कंफर्म करना है कि इसमें से कौन सा आपका पेन ड्राइव है। आपको अपना पोर्ट नंबर चेक कर लेना है पेन ड्राइव का। ठीक है, तो यहां पे देखिए मेरे पेन ड्राइव का पोर्ट नंबर है 3007। अगर यहां पे कोई दूसरा और यूएसबी ड्राइव लगा होता तो हो सकता है उसका होता 3008 या फिर 3006। अगर यहां पे आपको डाउट होता है तो आपको यहां पे क्या करना है, अपने पेन ड्राइव को एक बार अपने कंप्यूटर से निकालना है। निकालने के बाद से आपको फिर से यहां पे लगा देना है, यहां पे उसके बाद से आपको राइट माउस क्लिक करना है, आप यहां पे कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद से कंफर्म होने के बाद आपको फिर से इसी ऑप्शन पे यूएसबी मास स्टोरेज डिवाइस, इस पे राइट माउस क्लिक करना है और यहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अनइंस्टॉल डिवाइस, इस पे क्लिक करना है, अनइंस्टॉल पे क्लिक करना है और आपको अपने पेन ड्राइव को यानी कि यूएसबी डिवाइस को अनइंस्टॉल कर देना है। अनइंस्टॉल करने के बाद सबसे ऊपर आना है और यहां हेल्प के नीचे देखिए आपको एक लोगो दिखेगा स्कैन का, स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंजेस, इस पे आपको क्लिक करना है। यहां पे दोस्तों स्कैन करने के बाद अभी आप देखिए ये फिर से आ गया। उसके बाद जब आप यहां पे आएंगे डिस्क पीसी में तो आपका पेन ड्राइव यहां पे शो करेगा।
उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो आप इसको लाइक करिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरे हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे।